हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज हम लोग बात करेंगे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट के बारे में तो ये वीडियो जो हम लोग ने बनाया है ये दो पार्ट में बनाया है जो पहला पार्ट है उसमें हम लोग ने कवर किया है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और दूसरे पार्ट में हमने कवर किया है ऑडिट रिपोर्ट को तो स्टार्ट करते हैं अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट इज एग्जामिनेशन ऑफ एन एंटिटी ऑफ एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइलिंग डिस्क्लोजर बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर एट टेस्टिंग टू द फेयरनेस ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर, दिस ऑडिटर रिपोर्ट मस्कनी विद द फाइनेंशियल इस्टेटमेंट वेन दे आर इशूड और इंटेंडेड रिसेप्शन तो यहाँ पे क्या बता रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटिंग जो ऑडिटर करता है कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटिंग वो एग्ज़ामिन करता है कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही तरीके से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है ऑडिट में यही एग्जामिनेशन होता है प्लस सारे डिस्क्लोजर्स को चेक करता है जो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है जिसको हम सी कहते हैं द रिज़ल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन जो उसका रिजल्ट आता है उसको हम लोग रिपोर्ट बाय द ऑडिटर कहते हैं मतलब फाइनेंशियल एग्जाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटिंग का मतलब क्या हुआ पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना चेक करना एग्जामिन करना और जो उसको एग्ज़ामिन करने के बाद उसको क्या लगता है कि वो रिपोर्ट कैसा है सही है कि नहीं सही है तो उसको ऑडिटर जो होता है वो एक रिपोर्ट बना के देता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट बाय ऑडिटर वो दिखाता है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फेयर है कि नहीं है तो उससे रिलेटेड जितने भी डिस्क्लोजर्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में लिख के दे देता है द ऑडिटर रिपोर्ट्स में कम्प्लाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ इशूड टू इंटेंट रिसेप्शन तो जो भी ऑडिटिंग कराता है उसको ऑडिटर uh, ऑडिटिंग uh, करने के बाद एक ऑडिटर रिपोर्ट भी देता है वो अपना रिपोर्ट खुद से बनाता है और उसमें बताता है कि उसको ऑडिट करने के बाद क्या पता चला कि ये जो भी एसेट्स हैं उसको सही तरीके से वैल्यूएट किए गए हैं कि नहीं किए हैं सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटिंग रिपोर्ट में दी होती है द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट इज़ टू एड क्रेडिबिलिटी टू द रिपोर्टेड फाइनेंशियल पोजिशन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस तो कोई भी जो बिज़नेस जो ऑडिटिंग कराती है उससे फ़ायदा क्या होता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी पे एक अच्छा मतलब असर पड़ता है जिससे पता चलता है कि हाँ बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस अच्छा है तभी वो ऑडिटिंग करा रही है और ऑडिटिंग से भी उसका एक अच्छा इमेज बनता है कंपनी का द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन रिक्वायर्ड डेट ऑल द एंटिटीज शुड बी पब्लिकली हेल्ड मस्ट फाइल एनुअल रिपोर्ट विद द एज आर ऑडिटेड तो इसमें क्या बता रहा है कि हर एक मतलब जो कम सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन हैं वो चाहती हैं कि हर एक कंपनी अपनी ऑडिटिंग कराए फाइनेंशियल ईयर पूरा होने के बाद सिमिलरली लेंडर्स टिपिकली रिक्वायर एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी विच दे लेंड्स फंड तो लेंडर्स को भी ऑडिटर रिपोर्ट देखना होता है क्योंकि तभी पता चलता है कि बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो कैसे हैं तभी वो डिसाइड कर पाते हैं ऑडिटिंग रिपोर्ट देखने के बाद कि वो उस पर्टिकुलर फॉर्म को पर्टिकुलर कंपनी को लोन दें कि ना दें सप्लायर में ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर दे विलिंग टू एक्सटेंड ट्रेड क्रेडिट एंड द अमाउंट तो इसमें क्या है कि अगर कोई सप्लायर है तो वो भी ऑडिटिंग रिपोर्ट देखना चाहता है अगर वो ट्रेड क्रेडिट देने जा रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी को क्योंकि सब को भरोसा होता है कि अगर इस कंपनी की ऑडिटिंग हो गई है तो मतलब इस कंपनी में जो भी बैलेंस शीट जो ये दिखाया जा रहा है वो ट्रू और फेयर है और हम उसको देख के जज कर सकते हैं कि इनके संग हमें बिजनेस करना है कि नहीं करना है ऑडिटर हैव बिकेम इंक्रीजिंगली कॉमन एज द कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टू प्राइमरी अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हैव बीन ऑन गोइंग सीरियस सीरीज ऑफ डिसक्लोजर ऑफ फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग बाय द मेजर कंपनीज तो ऑडिट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है क्यों इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि दो अलग अलग फ्रेमवर्क के थ्रू हमें अलग अलग डिस्क्लोजर मिलते हैं जैसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप के थ्रू प्लस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के थ्रू अलग अलग डिस्क्लोजर समय समय पर आते रहते हैं और इसका कारण क्या है क्योंकि बहुत सारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ पाए जाते हैं इसलिए ऑडिटिंग कराना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया है हर एक बिजनेस के लिए प्राइमरी स्टेज ऑफ ऑडिट आर तो क्या होता है प्राइमरी स्टेज प्लानिंग एंड द रिस्क असेसमेंट इन्वॉल्व गेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस इन्वामेंट इन विच इट्स ऑपरेट एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन टू एसेस वेदर देयर आर देयर मे बी रिस्क दैट कुड इम्पैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट में क्या होता है ऑडिटर चेक करता है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में कितना रिक्स है इस बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए और इसके बिज़नेस एन्वायरमेंट को समझता है फिर उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जज करता है इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग इन्वॉल्व दैट द असेसमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटी सूट्स ऑफ कंट्रोल कंसनट्रेटिंग ऑन सच एरियाज एज अ प्रॉपर ऑथराइजेशन द सेफ गार्डिंग ऑफ द एसेट्स एंड द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ दिस कैन इन्वॉल्व इन एनी अरे ऑफ टेस्ट कंडक्टेड ऑन सैम्पलिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन टू द डिटरमाइंड द डिग्री ऑफ कंट्रोल इफेक्टिवनेस अब इंटरनल इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग में क्या होता है कि जो अलग अलग ट्रांजेक्शन किए गए हैं उसकी सैम्पल ट्रांज सैंपल टेस्टिंग होती है मतलब किसी एक ट्रांजेक्शन को उठाते हैं फिर उसको चेक करते हैं कि इसकी जनरल इंट्री इसके लेजर सही तरीके से बनाए गए हैं कि नहीं गए हैं इस तरीके से इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग की जाती है हाई लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस अलाउज द ऑडिटर टू स्केल इज बैक सम ऑफ देयर लेटर ऑडिटर प्रोसीजर इफ़ द कंट्रोल आर इन इफेक्टिव दैन द ऑडिटर मस्ट यूज अदर प्रोसीजर टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयर आर वराइटी ऑफ रिस्क असमेंट क्वेश्चनायर एवलेब एवेलेबल दैट कैन अस द इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग तो अगर टेस्टिंग करने से पता चलता है कि इंटरनल कंट्रोल कई तरीके से पकड़ा नहीं जा रहा है तो हमारे जो ऑडिटर्स होते हैं उनके पास अलग अलग और भी तरीका होता है चेक करने का रेशियो के थ्रू और भी अलग अलग क्वेश्चनायर के थ्रू वो चेक कर लेते हैं कि सही तरीके से ये अकाउंट्स मेंटेन किया गया है कि नहीं किया गया है उसमें इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग के अलग अलग तरीके ऑडिटर्स के पास होते हैं जो ऑडिटर अप्लाई करते हैं ऑडिटिंग करते समय थर्ड क्या है सब्सटेंटि प्रोसीजर सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या होता है इन्वॉल्व अ ब्रॉड एरे ऑफ प्रोसीजर ऑफ विच अ स्मॉल सैम्पलिंग आर तो इसको कैसे करते हैं पहला है इसमें एनालिसिस कंडक्ट अ रेशियो कम्पेरिजन विद द हिस्टोरिकल फोरकास्टेड एंड द इंडस्ट्री रिजल्ट टू द स्पॉट द एनोमिलीज तो इसमें होता क्या है सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कंपेयर करते हैं हिस्टोरिकल फोरकास्टेड या फिर इंडस्ट्री के रिजल्ट को उसके बाद कैश रिव्यू द बैंक रिकॉन्सोलेशन कंडक्ट ऑन ऑन हैंड कैश कन्फर्म रिस्ट्रिक्शन ऑन द बैंक बैलेंस इश्योर द बैंक कंफर्मेशन तो अब हम बैंक रिकॉन्सोलेसन स्टेटमेंट को चेक करते हैं प्लस कैश इन हैंड को चेक करते हैं प्लस बैंक बैलेंस को चेक करते हैं और फिर बैंक बैंक ने ये सब जो भी कन्फर्मेशन दिए हैं सारे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड उसको हम चेक करते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कन्फर्म सिक्योरिटीज़ रिव्यू सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन वेरीफाई द मार्केट वैल्यू तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के मार्केट वैल्यू को हम देखते हैं कि सही वैल्यू लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है अकाउंट रिसबल कन्फर्म द अकाउंट बैलेंस इन्वेस्टिगेटिंग सब्सिक्वेंट कलेक्टिव टेस्ट ईयर एंड द सेल और द कट ऑफ प्रोसीजर तो अकाउंट डिसेबल में क्या होता है कि हम देखते हैं जो भी पैसा हमको मिलने वाला है रिसेबल से वो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं प्लस उसका कितना हमने सेल किया है उसको भी चेक करते हैं उसके हिसाब से उसको चेक करते हैं कि सही अकाउंट डिसबल है कि नहीं है इन्वेंट्री ऑब्जर्व द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑबटेन कन्फर्मेशन ऑफ इन्वेंट्रीज हेल्ड एट द अदर लोकेशन टेस्ट सिपिंग एंड रिविंग कट ऑफ प्रोसीजर एग्जामिन पेड सप्लायर इनवाइस टेस्ट द कंपटेशन ऑफ एलोकेशन ओवर हेड रिव्यू करेंट प्रोसीजर्स कॉस्ट ट्रेस कंपाइल इन्वेंट्री कॉस्ट टू द जनरल लेजर तो इन्वेंट्री की जो वैल्यूशन होती है उस पर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाता है कि उसके इन्वासेस सही तरीके से लगाए गए हैं नहीं लगाए गए हैं प्लस उसके लोकेशंस को चेक किया जाता है जो उसकी शिपिंग हुई है कैसे वो आया है उसमें कितना खर्च किया गया है सप्लायर को कितने पैसे खर्च किए हैं उसके इन्वाइस चेक किए जाते हैं प्लस उसमें जो ओवर हेड खर्चा किया गया है उतना उस वो के, वो कितना किया गया है प्लस उसके जो करेंट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितना आ रहा है तो ये सारा कुछ चेक करती है ऑडिटिंग की टीम ऑडिटर्स चेक करते हैं इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने के टाइम अब आते हैं फिक्स एसेट्स को कैसे करते हैं ऑब्जर्व एसेट्स रिव्यू परचेज एंड डिस्पोजेबल ऑथराइजेशन रिव्यू लीज डॉक्यूमेंट एग्जामिन अप्रीजल रिपोर्ट रिकैलकुलेशन डेप्रिशिएशन एंड एमोनटाइजेशन तो यहाँ पे क्या है फिक्स एसेट्स को ऑब्जर्व करते हैं उसके डेट को देखते हैं उसके इनवाइस को देखते हैं प्लस उसके लीज के डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं प्लस उसके बाद उसके जो डेप्रीशिएशन उसमें उसको रिकैलकुलेट करके भी चेक किया जाता है कि फिक्स एसेट्स का सही वैल्यूएशन किया गया है कि नहीं किया गया है उसके बाद है अकाउंट पेबल कंफर्म अकाउंट टेस्ट ईयर और द कट ऑफ तो अकाउंट पेबल में कितना उसके कितने अकाउंट्स हैं जिसको हमको पे करना है उसको चेक किया जाता है और किस किस एरिया ईयर का है वो सारा कुछ इसमें चेक किया जाता है एक्रूड एक्सपेंसेस में एग्जामिन द सब्सिटिक्यूंट पेमेंट कंपेयर बैलेंस टू द ऑफ द प्रायर ईयर एंड रिकम्प्यूट एक तो इसमें क्या होता है पिछले साल के एक uh, के स्टेटमेंट देखे जाते हैं और प्लस जो एक्सपेंसेस हैं उसको फिर से रिकम्प्यूट uh, किया जाता है कि सही तरीके से कम्प्यूट किया गया कि नहीं किया गया उसको चेक किया जाता है उसके बाद आते हैं डेप्थ कन्फर्म विद द लैंडर्स रिव्यू लीज एग्रीमेंट रिव्यू रिफर्ड इन द बॉन्ड ऑफ द डायरेक्ट मिनट्स Uh, उसके बाद डेप्थ भी लैंडर्स से कंफर्म किया जाता है कि हाँ कितना उन्होंने हमें उधार दिया है उस कंपनी को प्लस उनके लीज एग्रीमेंट को भी रिव्यू किया जाता है उसके बाद आते हैं रेवेन्यू एग्जामिन द डॉक्यूमेंट अपलेक्शन ऑफ द सेल्स रिव्यू सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन री कैल्कुलेटिंग परसेंटेज ऑफ कम्पटिशन कम्पटिशन रिव्यू इन द हिस्ट्री द सेल्स रिटर्न एंड द अलावेंस तो कोई भी रेवेन्यू में कितना पैसा आया है उसको भी चेक किया जाता है उसको रिकैलकुलेट किया जाता है प्लस उसके जो रिटर्न्स होते हैं मान लीजिए कोई गुड्स हमने बेचा है तो उसमें जो रिटर्न किया गया है उसको माइनस किया गया है कि नहीं किया गया है तो वो भी ऑडिटर चेक करते हैं रेवेन्यू में एक्सपेंसेस में क्या होता है एक्सपेंसिज में जो भी पैसा खर्च किया गया है एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स अपोर्टिंग सलेक्शन ऑफ द एक्सपेंसर रिव्यू सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन कन्फर्म अनयूजल आइटम विद द सप्लायर तो यहाँ पर क्या है कि एक्सपेंसिज जो भी किया गया है सप्लायर से वो कन्फर्म किया जाता है प्लस जो भी हम पैसा खर्च किए हैं उसके इनवाइस हैं कि नहीं है ये भी ऑडिटर चेक करता है एंड ऑडिट इज एंड मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट द लीड्स एक्सपेंसिव ऑफ़ दम्पलेशन फॉलोड बाई रिव्यू ड्यू इस्ट में कंपनीज अटेम्प्ट to downgrade to the review or uh, complaints through that is only an opinion if the it acceptable to the report and recipients publicly held entities should have their quarterly financial statement reviewed in addition to the annual audit तो यहाँ क्या बता रहा है ऑडिट को सबसे एक्सपेंसिव uh, मतलब प्रोसेस माना जाता है जब आप एग्जामिनेशन करते हो पूरे uh, डॉक्यूमेंट्स का तो उसमें तो टाइम तो भी लगता है प्लस पैसे भी बहुत लगते हैं लेकिन ये ज़रूरी है और ऐसी कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड है उनके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि उनको अपना एक पब्लिक को दिखाना होता है कि उनके जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो पब्लिक का पैसा लेके बिजनेस कर रहे हैं वो सही तरीके से उनके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो इसीलिए कंपनीज इंटरनल ऑडिट तो करती है लेकिन साल भर में तो कंपलसरी है कि उनको एक एनुअल ऑडिट कराना ही पड़ता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा थैंक यू स्टूडेंट्स